Hello everyone, good morning to all. So today we are with the posters. आज हम especially for class 12 poster सीखने वाले हैं कि poster क्यों examination में आता है और इसका purpose क्या है. तो मैंने वो सारी चीज़ें तो नहीं लिखी, उसका इतना कोई academic value नहीं है, बनाना आना चाहिए finally. इसके लिए कोई painter type व्यक्ति है तो वो ज़्यादा अच्छा बना सकता है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है, कोई भी बना सकता है. पोस्टर के क्या क्या मुख्य वो होने चाहिए वो देखना है. पोस्टर जब भी बनाएंगे, ये तो मैंने ऐसे लिख रखा है पोस्टर, यहाँ कोई लिखना नहीं है. जब एग्ज़ाम में आप बनाओगे या कहीं आपने देखा नहीं लिखा होगा कि पोस्टर लिखा हुआ है ऊपर और उसके बाद नीचे मैसेज है. जो हमारे कोर्स के अंदर जो पोस्टर्स हैं वो पोस्टर किस लिए है? पब्लिक अवेयरनेस के लिए. पब्लिक में कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए किसी भी संबंध में हो सकता है. वाटर का मेन है, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड वो है, कंजर्व ट्रीज है, जो भी एक सामाजिक जिसका एक वैल्यू है, वैसे सारी चीज़ों के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं. आम देखा होगा आपने पोस्टर हिंदी में लगे हुए, वही है, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है. वो आपके सिलेबस में है, इट इज़ देयर इन RBSC एज वेल एज इन CBSE. जो लोग CBSE वाले हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं. तो पोस्टर क्या अट्रैक्टिव होना चाहिए. अब मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ इसलिए मैं जैसा भी होगा बनाऊंगा, लेकिन पर अट्रैक्टिव का मतलब दूर से दिखाई दे दे, बोल्ड लेटर्स में यानी बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा हो. कैपिटल लिखना कोई नेसेसरी नहीं कि कैपिटल में ही लिखा हो. बोल्ड का मतलब चाहे आप स्मॉल लेटर भी यूज़ कर रहे हैं अंग्रेजी का, तो वो थोड़ा सा गहरा हो, दूर से दिखाई दे कि किस बारे में है, इसलिए पोस्टर बड़े बनते हैं. तो ये सारी कुछ मुख्य बातें मैंने बताई कि बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए. इसमें कोई पेंटिंग नहीं करना है कि लाल पीला हरा लेके जाना एग्जाम में, नॉर्मल पेन से बनाना, बट थोड़ा डीप बना देंगे. दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको एक बिल्कुल ब्लॉक में डालना है, जैसे हम नोटिस या एडवर्टाइजमेंट जो क्लासिफाइड था वो करते आए थे. और उससे सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि पोस्टर जारी करने वाला कौन है. ऐसा लिखा रहता है हिंदी में, सौजन्य करता, किसके सौजन्य से, अगर देखा हो आपने तो वो सौजन्य से मतलब इशूड भाई. तो मैंने PhD गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिख के रखा है, क्योंकि पानी से संबंधित है इसीलिए. तो ये तो मैं अब मिटा देता हूँ. और अब एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, मैं वर्बली बोल के बता देता हूँ. ड्राफ्ट ए पोस्टर मेकिंग पीपल अवेयर और टू स्प्रेड अवेयरनेस टू सेव वाटर, कि पानी बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस बारे में आप एक पोस्टर बनाएं, इतना सही लिखा होगा. तो मैंने जो भी मेरी समझ है उससे मैंने बना दिया है, बस आपको समझना थोड़ा. जैसे बोर्ड है उसमें मैंने लेटर्स बड़े बड़े बोल्ड लिखे हैं. मैंने क्या इसमें मुख्य बात है कि कोई स्लोगन ऐसा हो जो कि दिमाग में बैठ जाए लोगों के, या कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में उनके खटकती रहे, तभी ये अवेयरनेस जो होती है वो फैलती है, अदरवाइज इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो मैंने एक ऐसा लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते पानी ही पानी इस दुनिया के अंदर. पीने योग्य पानी जिसको पोर्टेबल कहा जाता है वो 1% ही है, ऐसा जो अभी तक मैंने किताबों में पढ़ा है. और 1% पानी है, लोग सोचते बहुत पानी है, लेकिन नहीं है ना. तो इसलिए मैंने वो एक वार्निंग कह लो या वैसा एक थोड़ा सा दिमाग में किसी के इस बात को डालने के लिए कि यार पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरी दुनिया में पानी पीने योग्य तो 1% ही है. तो वो मैंने लाइन लिख दी, डू यू नो, कि आपको पता है ओनली 1% वाटर ऑन द अर्थ इज पोर्टेबल, पृथ्वी पर केवल 1% पानी ही पीने योग्य है. इसका मतलब ये सीधा सा दिख रहा है कि मात्रा बहुत ही कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. फिर मैंने लिखा वाटर इज प्रेसियस डोंट वेस्ट, पानी कीमती है व्यर्थ ना करें, हिंदी में भी ये लिखा रहता है. फिर मैंने जो भी दिमाग में है, नो वाटर नो लाइफ, पानी नहीं है तो जीवन नहीं, बिल्कुल सही बात है. ना पेड़ होंगे, ना अनाज होगा, ना हम जीवित रहेंगे, ना कोई जीवित रहेगा. तो जो भी आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड वो नहीं है कि यही सेव वाटर आ गया तो यही आपको लिखना है. मैंने अपनी तरफ से जो सोचा वो बना दिया, लेकिन आपको बताया किस तरीके से ही बन सकता है ये. सेव इट, बचाएं इसे. फिर मैंने लिखा एवरी ड्रॉप, बना दिया. थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह आती है तो आप बना सकते हो, बाल्टी वाल्टी भी बना के टेप वगैरह भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है वो. चलो वो भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की. तो एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद की कीमत है, इसका मतलब ये हो गया. अब मैंने डूज लिखा है, डूज का मतलब क्या करें भाई, कुछ तो मेजर्स देंगे ना हम. तो ये है कि भाई स्टॉप लीकेज क्या होता है, कि जो मैं एक रफ से ही बना देता हूँ,
जो टेप होता है, जैसे मान लो ये आ रहा है, अब यहाँ पे ये एक ऐसा बना सकते हो आप लोग जैसा भी है। इसके बाद में एक बकेट रख सकते हो ऐसे, यहाँ पे दिखा सकते हो ड्रॉप ड्रॉप गिरते हुए। तो जिस प्रकार का भी टेप वगैरह हो इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जिसको पेंटिंग वेंटिंग आती है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। सो डू स्टॉप लीकेज, भाई लीकेज बंद करना। कई बार लीकेज से ही हजारों लाखों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। यूज़ बकेट फॉर बैथ कार स्कूटर क्लीनिंग। ये सबसे बड़ा वेस्टेज का कारण है जहाँ तक मैं समझता हूँ। कार को पाइप से लोग धोते रहते हैं, कितना बाल्टी पानी बहा देते हैं पता नहीं, स्कूटर को भी धोते रहते हैं, नहाते भी शॉवर से हैं, पता नहीं कितने बाल्टी पानी बहा दिया। बकेट से एक मेजरमेंट होता है कि भाई हाँ इतना बकेट पानी खर्च हो गया। तो ज़्यादातर प्रेफरेबली बकेट का प्रयोग करने से पानी काफ़ी बचता है, ये प्रैक्टिकली देखा भी गया, वही लिखा है मैंने, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो मैंने शुरुआत में बताया था इशूड बाई, किसने जारी किया ये पोस्टर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो PHED गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पब्लिक हेल्थ एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। इस प्रकार से तो बहुत सारे इसके सब्जेक्ट मैटर हैं। मैंने जैसे बताया था सेव ट्री, कंजर्व ट्री, कंजर्व सॉयल, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक बैन, स्मोकिंग बैन, देन आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऐसे टॉपिक्स पे जनरली पोस्टर आते हैं, लेकिन बनाने का मतलब वही है, यू हैव टू थिंक बिफोर मेकिंग द पोस्टर दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग इट्स शुड स्ट्राइक टू द पीपल, इट्स शुड स्ट्राइक देयर माइंड। उनके दिमाग में ये बात खटकनी चाहिए कि हाँ ये कुछ ऐसा बात बताया गया है, और वो अवेयरनेस तभी फैलेगा। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म, और मैं आपको वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक बटन भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरों को भी शेयर करने के लिए कहें। तो शायद ये जो लॉकडाउन पीरियड अभी चल ही रहा है, अब वैसे हम अनलॉकडाउन में आ गए हैं, धीमे धीमे संभावना है कि फेस टू फेस क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, पर जब तक नहीं होती है, अनलेस एंड अंटिल वी आर एबल टू मीट फेस टू फेस, यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज, यू कैन इम्प्रूव अपॉन, एंड व्हेन द क्लासेस रिज्यूम्स दैट टाइम वी कैन डिस्कस फर्दर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।